तो हम अपनी आज की फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं जो कि कुछ ये है। तो अभी हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या यहाँ पे होता है एक्टिविटीज। थक गया आज बहुत। यस चलो बेटा। तो अभी यहाँ पे सोने वाला डांस वगैरह होगा तो यहाँ पे मैं भी यार डांस करूँगा। क्या आप भी डांस करोगे मेरे साथ बर्थडे गर्ल डांस? आइए सर। तो अभी मैं आपको पहले गाइड करूंगा कैंप के बारे में, क्या क्या चीज़ आपके पैकेज में इंक्लूड है, क्या क्या चीज़ चार्ज है, साथ ही आपको सिटिंग में सोफा मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बार सेक्शन है, इधर आपका वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक आपके पैकेज में इंक्लूड है। वाटर आप अभी से ले सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक आपको स्टार्टर के साथ मिलेगी। अल्कोहल भी अवेलेबल है, वो चार्जेबल है। अल्कोहल फ्री क्यों नहीं किया यार? सामने टी कॉफी काउंटर है, टी कॉफी आपके पैकेज में इंक्लूड है, आप किसी भी टाइम जाकर ले सकते हैं, बट सेल्फ सर्विस है। उसके बाद सैंड आर्ट है, ग्रोसरी है, स्वीनियर शॉप है, इधर से आपको कुछ भी खरीदना है तो आपको पे करना है। उसके बाद सामने अरेबिक कॉस्ट्यूम है, अरेबिक ड्रेस पहन का फोटो अगर अपने मोबाइल में बना सकते हैं, वो आपके पैकेज में इंक्लूड है। उसके साथ ही हिना पेंटिंग है लेडीज़ के लिए, स्मॉल वन हिना पेंटिंग आपके पैकेज में इंक्लूड है। अगर आपको लॉन्ग पेंटिंग चाहिए तो वो चार्जेबल है। सामने स्टार्टर काउंटर है और कॉर्नर में बुफे है डिनर के लिए। स्टार्टर और डिनर भी आपके पैकेज में इंक्लूड है, लेकिन जब अनाउंसमेंट होगी तब भी आलो जाके लाइनों में स्टार्टर और डिनर लेके आएंगे। टॉयलेट वो सामने है, फर्स्ट फ्लोर लेडीज़ के लिए और सेकंड फ्लोर जेंट्स के लिए। उसके बाद जो सिटिंग एरिया वो हमारे पास दो सेक्शन है, एक ये सामने कम्प्लीमेंट्री सेक्शन है, इधर आपका पैकेज है, और दूसरा वीआईपी ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अपग्रेड करना है तो आप लोग अपग्रेड कर सकते हैं वीआईपी में। 50 दिरहम एडिशनल चार्जेस है पर पर्सन। तो इनमें क्या डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ। आपको जो पैकेज है फिलहाल इधर कम्प्लीमेंट्री सेक्शन में, इस सेक्शन में आपको स्टार्टर के लिए और डिनर के लिए अनाउंसमेंट होगी। पहले स्टार्टर के लिए अनाउंसमेंट होगी तकरीबन 7:30 पे, जितने भी लोग होंगे इनके साथ आप लाइनें बनाएंगे, लाइनें बना के आप स्टार्टर काउंटर पे जाके स्टार्टर लेंगे। फिर आप बार सेक्शन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सॉफ्ट ड्रिंक मिलेगी स्टार्टर के साथ। हर चीज़ सेल्फ सर्विस होगी, हर फैमिली मेम्बर अपने लिए खुद से जाके लाइनों में चीज़ें लेके आएगा। स्टार्टर के बाद हमारे पास तनूरा शो है, तनूरा शो के बाद फिर से अनाउंसमेंट होगी डिनर के लिए तकरीबन 8:20 के राउंड बोर्ड। तो लोग फिर से लाइनें बनाएंगे, लाइनें बना के बुफे में जाके डिनर लेके आएंगे। डिनर के बाद लास्ट में हमारे पास दो शो है, फायर शो और बेली डांस है। उसके बाद कैंप साइट फिनिश हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास वीआईपी है, वीआईपी में जस्ट 50 दिरहम एडिशनल चार्जेज है पर पर्सन। फिर इसमें आपको वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, टी कॉफ़ी, अभी से हमारे वेटर आपको टेबल पर ला के सर्व करेंगे, आपको खुद से नहीं लेके आना पड़ेगा। अभी से लेके कैंप के एंड तक ये सर्विस जारी रहेगी। आप लोगों को किसी भी टाइम जितनी भी दफ़ा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक या टी कॉफ़ी चाहिए होगा, वेटर आपको टेबल पर प्रोवाइड करेंगे। नहीं, आपको पूरे वेटर इधर होंगे, जो चीज़ चाहिए आपको लेके आएंगे। बाकी सामने जो है हमारे पास वीआईपी सेपरेट बुफे है, लाइव बुफे है। इधर आपका पूरा वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, बारबेक्यू, टिक्का कबाब, स्वीट्स, एवरीथिंग हर चीज़ है अभी से अवेलेबल है। अभी से बुफे ओपन है, अभी से उधर भी होगा, लेकिन इधर आपको अनाउंसमेंट होगी तब भी आ जाकर लाइनों में जाके लेंगे। इधर जो है इधर अभी से लेके कैंप के एंड तक पूरा टाइम अवेलेबल है, आप जितनी दफ़ा मर्जी लेके, तकरीबन 9 बजे कैंप खत्म होगा। इधर आप अभी से लेकर कैंप के अंदर के पूरा टाइम बुफे ओपन रहेगा, और लोग अपनी मर्जी से किसी भी टाइम और जितनी दफ़ा मर्जी जाके यहाँ पे आप खाना ले सकते हैं। अल्कोहल जो चाहते बस। बाकी इधर कोई लाइन नहीं होगी, कोई लाइन नहीं होगी, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, कोई टाइम लिमिट्स नहीं। हर फैमिली के लिए सेपरेट सिटिंग एरिया, अपनी फैमिली के साथ बैठ कर पूरा टाइम शो भी इंजॉय करेंगे और साथ में डिनर भी इंजॉय करेंगे। तो अभी शुरू होने वाला है, मैं भाई लोगों के लिए सुबह नहीं गया हूँ, तो हम लोग ने लिया वीआईपी सेक्शन यहाँ पे, तो अभी बैठे हैं वेट कर रहे हैं। थैंक यू। प्लेट दोनों स्टेज में चली गई है नाच करने। अरे यार बहुत जा नहीं रहे हो, तो यहाँ लग गया मून मून। गाइस अब ये लोग जा रहे हैं कैमल राइड करने, आई एम नॉट गोइंग बिकॉज मैंने जब से सोमवार का फास्ट रखे थे तब से, और केदारनाथ की वीडियो देख के मैं एनिमल्स को ना खा रही हूँ, ना मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ, ना मैं नॉन वेज खा रही हूँ, ना मैं उनके ऊपर बैठूँगी अपना। अब और लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, तो आई कांट डू एनीथिंग। बेचारों का मुंह बांध रखा है, देखो देखो क्या कर रहे हैं, बट हम तो नहीं बैठ रहे। मैं तो अपने तरीके से सही हूँ, मैं नहीं बैठ रही हूँ।
दोनों भी क्लब कर रही है। Thank you.